तो इस कैप को बनाने के लिए मैं ये कलर ले रही हूँ जो कि क्रीम कलर है, और साथ ही साथ मैं 10 नंबर की नीडल्स ले रही हूँ। तो इन 10 नंबर में मैं यहाँ पर 9 फंदे डालूँगी। अगर आप छोटे बच्चे का बनाना चाह रहे हैं तो आप फंदे कम रखिए। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी का बना रहे हैं तो आप 5 फंदे से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े टोटलर्स या फिर बड़े बच्चों का बना रहे हैं 5 से 7 साल तक का, तो आप वहाँ पर 7 फंदे ले लीजिए। अगर आप लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो आप फंदों को कम से कम 12 या फिर 13 फंदे ले लीजिए। तो इस तरीके से हम 9 फंदे पूरे डाल लेंगे। आप फंदे किसी भी वे में डाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 फंदे डाल लिए। आप देखिए इसको स्टार्ट कैसे करना है। पहला फंदा हम हमेशा ही स्लिप करेंगे। ये देखिए हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया है। इसके बाद में धागा पीछे ले जाइए और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। देखिए ऐसे, फिर धागा आगे लाइए, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे लाइए, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अगेन धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा। तो बेसिकली जो हमारी फाउंडेशन रो हम बना रहे हैं फंदे डालने के बाद में, इसमें पहला फंदा स्लिप करने के बाद में आप एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, या फिर उल्टा एक, फिर एक सीधा एक, इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमारे यहाँ पे मैंने सीधा बनाया, फिर एक फंदा बचा, इसको भी सीधा बना लिया। तो ये थी हमारी फाउंडेशन रो। आप देखिए टर्न कर लीजिए, यहाँ पर पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद में मुझे यहाँ पर ये उल्टा फंदा दिख रहा है तो मैं उल्टा बना लूँगी। ये देखिए धागा पीछे किया, अब यहाँ पर आपको ये फंदा यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है। तो जनरली हम ये जो लूप यहाँ पर बनता है यहाँ से बनाते हैं, तो हम यहाँ से ना बना के हम ये जो वी शेप चेन बनता है उसके अंदर से नीडल डालकर ही हम इसको बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने रॉन्ग साइड में स्लिप किया था, एक फंदा उल्टा बनाया जो हमें उल्टा दिख रहा था, फिर ये देखिए यहाँ से ये तीसरा फंदा है, तो ये जो सीधा दिख रहा है वी जैसा दिख रहा है, तो इस वी के अंदर से हम अपना नीडल को डालेंगे ऐसे, और इस फंदे को हम यहाँ पर सीधा बना देंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसा हुआ हमारा। अगेन धागा आगे लाइए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया, फिर देखिए अगेन सीधा फंदा मिल रहा है, तो इस सीधे फंदे के बीच से ये जो वी शेप है, ये जो वी बन रहा है, उस वी के अंदर से हम नीडल डालेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको सीधा बुन लीजिए, फिर धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। बेसिकली जो फंदा आपको उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है, जो फंदा आपको सीधा दिख रहा है उसको नीचे से नीडल डालकर, मतलब नेट वन वेलो आप इसको बोल सकते हो, ऐसे बनाना है। तो बस चाहे आप रॉन्ग साइड में बनाएंगे या राइट साइड में, दोनों ही तरफ सीधे फंदे को हमेशा आप नीचे से ही बुनेंगे। ये देखिए धागा पीछे किया, लास्ट फंदा है इसको सीधा बुन दिया और इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। तो ये देखिए ये अभी हमारा ऐसे दिखेगा। इसके बाद में देखिए फिर से मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, पहला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे किया, ये देखिए यहाँ पर आपको ये सीधे फंदा दिख रहा है, तो ये वी आपको दिखेगा। देखिए ऐसे ये वी आपको यहाँ पर दिखेगा, तो इस वी के अंदर से हम नीडल डालेंगे, एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बनाएंगे जो कि उल्टा दिख रहा है ऐसे, अगेन धागा पीछे किया, आप देखिए यहाँ पे सीधा फंदा दिख रहा है तो इसके अंदर से नीडल डालिए, फिर से सीधा बनाया, उल्टा फंदा दिखा, उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, फिर सीधा फंदा दिख रहा है, वी के अंदर से जाएंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे, फिर से उल्टा फंदा दिखा, धागा पीछे किया,
फिर सीधा फंदा दिखा नीचे से बनाएंगे और अगेन सीधा फंदा लास्ट में एज वाला सीधा बना दिया। तो इस तरीके से आपको बस यही दोनों रोज आपको रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए मैं आपको पूरा बना के कुछ दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पफी नज़र आएगा। तो इस तरीके से बनाते हुए हम तब तक अपने ये पट्टी बनाते जाएंगे जितना आपका हेड सर्कमफेरेंस हो, मीन्स जो आप कैप पहनते हो उस कैप आप अपने सर को नाप लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पट्टियाँ बनाकर रखी हुई हैं, देखिए। तो यहाँ पर देखिए आप कि मैंने यहाँ पर एक पट्टी बना के रखी और इसको मैंने उतना बनाया है जो हमारे सर के इस तरीके से आपको पहनने में। लेकिन आप इतना मत बनाइए कि आपको इतना टाइट करना पड़े, इसको आपको बहुत ज़्यादा खींच के नहीं नापना है। बनाने के बाद में थोड़ा सा ही आप इसको लूज सा रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हो, तो मैं आपको ये मेजर करके बता देती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है पूरा। तो देखिए यहाँ से मैं इसको नाप रही हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल भी पुल नहीं करूँगी। तो ये देखिए ये हमारा अराउंड अराउंड 16 इंच आपका ये पट्टी बना हुआ है टोटल। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 इंच। तो आप ये हेड टू हेड डिपेंड करता है कि किसी का हेड बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, तो आप अपने हेड के सर्कमफेरेंस के हिसाब से ही इन पट्टियों को बनाइएगा। तो बेसिकली ये आपको 3 बनानी पड़ेंगी। तो जिसमें देखिए मैंने ये बना रखी है, तो इस तरीके से मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा 16 इंच बना लिया है पट्टी। अब यहाँ पर हम इन सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो आप चाहें 2 का 1 करते हुए बना सकते हैं, या फिर आप एक फंदा स्लिप किया एक फंदा बुना, इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं टोटल। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर ये बंद कर रही हूँ 1 बाई 1, इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और इसको एक्स्ट्रा कट करके ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, ये तीनों पट्टियाँ हमने बना ली हैं जो कि बिल्कुल सेम लेंथ में हैं। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो आपकी तीनों पट्टियाँ हैं तो इन तीनों को ही आप इस तरीके से रखेंगे। देखिए एक के ऊपर एक एक रखा, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को ही आप यहाँ पर सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, तो इस तरीके से तीनों को सिल लीजिए आप। तीनों को भी बराबर में लेते हुए सिलना है पूरा। तो देखिए इसको ऐसे रखा और एक एक करके, ये देखिए 3 पट्टियां हैं जैसे हम जनरली चोटी बनाते हैं अपने, ऐसे इस तरीके से। आपको बहुत कसकस के नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्टली करना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे बनाते हुए जाएंगे। लास्ट में हम इस तरीके से बनाते हुए आए और पूरे लास्ट में यहाँ पर हम इन तीनों को देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखिए तो इन तीनों को ही हम लास्ट में आपस में ऐसे जॉइन कर देंगे जैसे कि हमने ऊपर सिला था, सेम वैसे ही। तो देखिए पट्टी जैसे कि हमारी रेडी है, दोनों ही सिरे हमने सिल लिए हैं यहाँ पर देखिए। तो अगर आप इसको राउंड में बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर सिल देंगे और पूरा सीधा करके फिर फंदे आप उठा लेंगे। तो जैसे कि मैं इसको 2 सिलाइयों में बना रही हूँ, तो देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पे इधर सिलाई है हमारी, उधर से देखिए हम इसको पकड़ेंगे, ये देखिए। और यहाँ से ये जो चेन्स आपको दिख रहे हैं, इन चेन्स से हम एक एक फंदा हर चेन में से उठाएंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर हमारा मेरा फर्स्ट चेन मुझे ये मिला है, तो मैं यहाँ पर इसको पिक करूँगी। तो मैं यहाँ पे ये जो फंदे हैं इनको मैं क्रोशिया की हेल्प से पिक कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप नेडल से भी आप इसको पिक कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से,
तो ऐसे ही हम हर चेन में से जाएंगे। मैं किस चेन में पिक कर रही हूँ? जो चेन हमने जब ये पट्टियाँ बना रहे थे, जो सबसे साइड साइड की चेन्स होती थी, उन चेन्स में से मैं इन फंदों को उठा रही हूँ। ये देखिए ऐसे। तो ऐसे ही हर चेन में से हम फंदे उठाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फंदे उठा के दिखा रही हूँ, और एक इसमें मेन और है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप देखिए इसको। तो जैसे ही फंदे आपके पास अगर क्रोशिया में ज़्यादा हो जाए, आप तुरंत अपने सलाई में चढ़ा लीजिए जो भी फंदे हों। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखते हैं ये दो पट्टी के दो हिस्से हैं, एक ये है एक ये है। तो आप इसको इस तरीके से होल्ड करिए, दोनों सिरे, दोनों ही पट्टियों को। तो जो यहाँ पे जहाँ से ये पट्टियाँ क्रॉस हो रही हैं, तो उस पॉइंट से आपको दोनों ही पट्टी के सिरों को मिलाकर फंदा पिक करना है। तो जैसे कि मैं अभी पहुँचने वाली हूँ, ये देखिए ऐसे, एक ये पिक किया, ये हुआ हमारा, आप देखिए, और ये हुआ। अब यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे मैं एक फंदा पिक करूँगी। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये इस पॉइंट पे ये दोनों ही क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं दोनों को मिलाकर यहाँ पे देखिए, इसका एज ये है, तो इस बटन पर, इस पट्टी का एज मैं यहाँ पर लेकर इन दोनों को एक साथ बना दूँगी। तो इससे क्या होगा, ये हमारी पट्टी ज्वाइन हो जाएंगी, साथ ही साथ ये अलग अलग नहीं खिसकेंगी। तो आपको इस तरीके से बना लेना। तो जैसे कि यहाँ पे ये पूरा बने पिक कर लेंगे फंदे, फिर यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से इसको रखेंगे, तो ये जो जॉइंट आएगा, ये देखें दोनों ही पट्टियाँ ये दिख रही हैं, तो इनको आप इस तरीके से होल्ड करिए, फिर यहाँ से एक फंदा फिर से बना लीजिए। तो इस तरीके से करते हुए हम सभी फंदे पिक कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही फंदे क्रोशिया पे एक्स्ट्रा हुए, वैसे ही हम फंदों को अपने निडल में चढ़ा लेंगे ऐसे। तो अगर आप एडल्ट का बना रहे हैं कैप, तो आप कम से कम 120 से 115 के बीच में आपको फंदे लेने होंगे। अगर आप न्यू बॉर्न का बना रहे हैं, तो कम से कम 50 फंदे लीजिएगा। अगर आप 5-7 साल के बच्चे का ले रहे हैं, तो कम से कम आप उसमें 80 फंदे रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको पिक करेंगे। तो हम ऐसे ही पिक करते हुए जाएंगे पूरा। तो देखिए यहाँ से हमने पूरे फंदे भर लिए हैं, और देखिए मेन चीज़ यहाँ पे कितना अच्छा आया है, ये हमने जो पट्टियाँ बनाई थी, जो साइड साइड के फंदे थे, सिर्फ उन्हीं फंदों में हमने ये फंदे भरे हैं। तो इस तरीके से देखिए ये पूरी गोलाई बहुत अच्छी आई है यहाँ पे। तो ये मेरे पास टोटल फंदे 84 आए। देखिए पहला फंदा स्लिप किया, अब हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाए, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से बनाते हुए अब इस रो को हम लास्ट तक पूरा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए राइट साइड में अभी हमें, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो फंदे आपको सीधे दिखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जाली बन रही है, बस हमें इसके नीचे से ही नेडल डालना है, इसी के अंदर से जो वी शेप बन रहा है, और सीधा फंदा बना देना। फिर धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा बना देंगे, अगेन देखेंगे यहाँ पे ये जाली दिख रही है, ये इसी में से नेडल डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाइए, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा नीचे से बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे किया, फिर देखिए यहाँ पे ये जाली दिख रही है वी शेप की, ये देखिए यहाँ पे, यहीं पे हम डालकर सीधा बना देंगे और एक फंदा उल्टा। तो देखिए ये रो हम पूरा रिपीट करते हुए यहाँ तक जाएंगे, वापस से आएंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे,
जो फंदा सीधा दिखेगा उसको आपको नीचे से बनाना है, जो उल्टा दिखेगा उसको आपको उल्टा एज इट इज़ बनाना है। तो यही आपको रूल फॉलो करते हुए जाना है जब तक कि आपका कैप, आपका हेड टू ईयर तक अच्छे से फिट ना हो जाए, तब तक आपको इसको बना लेना है। और या फिर आप अपनी किसी पुरानी कैप से इसकी लेंथ को माप सकते हैं, उसके बाद में हम इसका डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। तो इतना आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ से देखिए, हमने यहाँ से ये फंदे उठा के पूरा इतना पोर्शन बना लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ इसका टोटल लेंथ कितना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, जहाँ तक हमने बनाया है, मैंने ये टोटल 8 इंच लेंथ है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए। तो मैं इतना मैंने बना लिया। अब हम इसको सभी फंदे बंद करेंगे, लेकिन रॉन्ग साइड से। ये जो अभी पोर्शन था ये मेरा फ्रंट साइड था, तो रॉन्ग साइड से हम इसके सभी के सभी फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए, ये जो दो फंदे आपको दिख रहे हैं, इन सभी को हम दो का एक करते हुए बंद करेंगे। तो देखिए, इन दोनों को आप, हम रॉन्ग साइड में हैं, इन दोनों को आप इस तरीके से बंद कर दीजिए। फिर से ये जो दो फंदे दिख रहे हैं, इन दोनों को भी बंद कर दीजिए इस तरीके से। दोनों को एक साथ लेके उल्टा बुन देंगे। सेम इनको भी, ये जो दोनों दिख रहे हैं इनको भी इस तरीके से करते हुए हम सभी फंदे लास्ट तक दो का एक करते हुए हम बंद कर लेंगे। देखिए, सभी फंदे हमने दो का एक कर लिया है और हम अपने राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा धागा, ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कट करके रखा हुआ है, इसी में निडल डालकर हम यहाँ से इनको, आपके जो एक निडल में हो या सिंगल निडल में, इस तरीके से हम सभी फंदे, देखिए एक एक करके सारे के सारे फंदे, ये निडल है इसमें हम डाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, सभी फंदे हमने चढ़ा लिए हैं और निडल जो है हमारी, अब हमें वो फ्री हो गई है हमारी। ये देखिए, इस तरीके से हमने चढ़ा लिए हैं। तो अभी हम अपने पैटर्न के, देखिए राइट साइड में हैं, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, उल्टा कर लेंगे, मतलब रॉन्ग साइड ऊपर हो जाएगा और राइट साइड अंदर हो जाएगा। इसके बाद इसको आप इस तरीके से पुल कीजिए। ये देखिए, ऐसे पुल किया और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग है, यहाँ पर आप इस तरीके से एक, ये देखिए, जॉइन कर दीजिए। इसके बाद आप पुल करिए ताकि ये सिक्योर हो जाए अच्छे से। और फिर यहीं पे हम, ये देखिए, अगेन एंड अगेन इसी में अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे। फिर से देखिए, इसी में राउंड राउंड निडल घुमाते हुए हम सभी फंदों को फिर से टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने काफ़ी अच्छे से इसको टक कर दिया है पूरा। और बैक साइड में जाकर हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। या फिर आप अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहीं से इसको टर्न करके आप सिलाई करना शुरू कर सकते हैं, जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन की सिलाई करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर नहीं कट करूँगी। तो अभी हम यहाँ पे, देखिए रॉन्ग साइड में है, तो हम इसको, मैं राइट साइड करूँगी ताकि हम राइट साइड से इसकी सिलाई करेंगे पूरी पूरी। तो देखिए, थ्रेड मैंने ऊपर निकाल लिया है। अब ये देखिए, ये राइट साइड हमारा अंदर है। ये देखिए, तो इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये कैप आपका इस तरीके से, अगर आप कट करना चाहते हैं थ्रेड, यहाँ से कट कर लीजिए और यहाँ पर अटैच करके आप इधर से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहीं से करूँगी। तो देखिए कैसे करना है, जो आपके एज स्टिचेस थे हम उनको लेकर एक बार आपके राइट साइड के एज से, एक बार लेफ्ट साइड के एज से हम फंदे पिक करेंगे। देखिए, निडल डालकर पूरा पूरा पिक करेंगे ताकि ये एकदम से इनविजिबल टाइप हमारा सिले इस तरीके से। देखिए, हर चेन में से हम जाकर इसको सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा कैप बिल्कुल रेडी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में नए वीडियोस मिल सकें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।